सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच
सागर के पार उतर रे, नानक कहत गाय करुणा बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नर अचेत पाप ते डर रे, नर अचेत पाप ते डर रे। नौवें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहिब जी बाणी में फरमा रहे हैं, समझा रहे हैं कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो पॉइंट है ना, पाप और पुण्य, बहुत ही गहरा, गंभीर और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए अगर इसको समझना है तो। हर से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि बहुत भुलेखा है, हम अज्ञान के अंधेरे में भटके हुए हैं ना।
हम इतने सारे पाप ऐसे करते जो हमें लगता ही नहीं पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कई सारे पुण्य ऐसे करते हैं जो होते पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है यहाँ पर ज्ञानियों ने इस पंक्ति के दो अर्थ किए हैं कि नर अचेत पाप ते डर रहे। यहाँ पर नर अचेत अगर साथ में ले तो नर से कहा है तू अचेत है हे अनजाने इंसान, हे बेध्याने इंसान, अनगहले इंसान, पाप से डर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनगहले कर रहे तो पाप करते जा रहे और ध्यान नहीं दे रहा। और दूसरी बात यहाँ पर ये कही है अगर नर अचेत अलग पकड़े, नर अलग पकड़े, ज्ञानियों का ये कहना है कि जो हम अचेतपन में पाप करते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि पता ही नहीं पाप हो रहा है और करते जा रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उससे डर। अब उससे कैसे डरे जब पता ही नहीं पाप हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो अचेत मन यहाँ पर आकर सुचेत हो जाएगा यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत की महिमा ही ये है, हमें आईना दिखा देती है, अपने चेहरे पे लगी हुई काली की दिखाई नहीं देती। या तो दूसरा बताए तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोर को चोर कहो बुरा लगेगा, पर जब गुरबाणी कहती है तो चोर है आंखें झुक जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु की वाणी आईना दिखा देती है सच क्या है, तू कहां पर खड़ा है। और ये केवल आईना नहीं दिखाती, बदल कर रख देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु है ना सर्वशक्तिमान, जो चाहे कर सकता है। पहले ज्ञान देता है कि तू गलत काम कर रहा है, रुक जा, फिर उस पर रुकने की ताकत देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु ही कर सकता है भाई रे। गुरु बिन ज्ञान ना होए। ज्ञान क्या है? उपदेश देने के साथ उस पर चलने की ताकत देना, उसे कहते हैं ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्टेज पर बैठ के तो कोई भी कहेगा ऐसा करो वैसा करो, करें कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो ताकत यहां से मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पाप नर अचेत पाप ते डर रहे। एक तो होते जानबूझकर किए हुए पाप, हमें पता है, जिसके बारे में हमें पछतावा भी होता है, और ऐसे अनेक पाप हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं, गिनती नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जैनी देखिए मुंह पे कपड़ा बांधते हैं, क्यों? कि छोटे छोटे कीटाणु भी ना मर जाए हमसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको पता है जो संत महापुरुष होते हैं कमाई वाले, वो बहुत थोड़ा खाते हैं, उनका तो यहाँ तक सोचना है कि इसमें भी तो जान है, कम से कम मारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब एक तरफ वो लोग हैं जो सोच सोच कर जीते हैं कि पाप ना हो जाए, और एक करते जा रहे हैं कोई परवाह ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बकरा काटे, मुर्गा काटे, गाय काटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हैरानी की बात तो ये है, अगर इसको डिटेल में समझने बैठेंगे ना तो काफी दिन चाहिए इस प्रकरण को, काफी गहराई है इसमें। पाप क्या है? पाप धर्म के अनुसार बदल रहा है आज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे एक स्टेट में शराब पीना बैन है, अपराध है, जेल में डाल देंगे शराब बेची पी या पकड़े गए, और दूसरी स्टेट में नहीं पी सकते हो आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गोवा में टैक्सी नहीं है पियो, और कहीं पर बैन है कि अगर पकड़े गए तो जेल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही हाल आज समाज का हो चुका है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, किसी की समझ के परे हो चुका है। हिंदू गाय को पूछते हैं, उनके लिए गाय की सेवा पुण्य है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी गाय को मुसलमान जिबा करता है, मारता है धर्म के नाम पर, उसे पुण्य कहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पाप क्या है और पुण्य क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन डिसाइड करेगा, धर्म? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी पर पूरी रोशनी डालनी है। इस बात को बहुत बहुत ध्यान से समझना होगा कि असल में पाप क्या है, असल में पुण्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो बहुत बड़े पाप होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नर अचेत पाप ते डर रहे, अचेत पाप है, नर तू अचेत है पाप से डर, और दूसरी तरफ जो तू अचेतना में पाप करता है उससे डर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
पाप ते डर रे, पाप ते डर रे, पाप ते डर रे, पाप ते डर रे, नरे अचे से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। धर्मी आदमी जो धर्म पर चलता वो छोटा सा पाप करके भी घबराया रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ, क्योंकि मन सुचेत हो चुका है उसका, पर गलती फिर हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ, कई बार मन पे कंट्रोल नहीं रहता तो वो डरा डरा रहता है। अधर्मी क्योंकि मन अचेतना में है, माइंड कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस माइंड है, पाप करके भी उसे पता ही नहीं चलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हम अचेत हैं कि सुचेत हैं, ये डिसाइड कौन करेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने खुद डिसाइड करना है, निर्णय खुद करना है, क्योंकि तेरे कर्म की सजा तुझे ही मिलनी है, तेरे कर्म का फल तुझे ही मिलना है, किसी दूसरे को नहीं। कर्मी आपो अपनी, अपने अपने कर्म है, चाहे घर वाली हो, घर वाला हो, बच्चे हो, माता पिता हो। बाणी में कहीं नहीं कहा कि परिवार का कर्म साथ में, अपना अपना कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस कर्म में कोई तुम्हारा साथी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भुगतने साथ में नहीं आएगा, कोई संतावना दे सकता है, साथ में भुगत नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ में किए हुए अपराध हो तो साथ में भुगतना पड़ता है, जैसे मित्रों ने मिलकर कोई अपराध किया हो तो सजा भी मिलकर मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो एक अलग पहलू है, पर कर्म अपने अपने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नर अचेत पाप के डर रे। सबसे पहले यहाँ इस शब्द में ना बड़े प्यारा पॉइंट है। एक तो है कि पहले तो ये समझना है कि पाप है क्या, फिर नौवे गुरु नानक कह रहे हैं अगर तेरे से अपराध हो गए हैं, पाप हो गए हैं, तो अब क्या करें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेन पॉइंट तो ये है ना, हम सब पापी बैठे हैं यहाँ पे, सब ने पाप किए हुए हैं और ये बात मान लेनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे ऐसे सच इसलिए कह रहा हूँ, सच कहता हूँ, मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते कहते भाई साहब हमने कभी कोई पाप नहीं किया, हमारे साथ ऐसे कैसे हुआ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब देखिए वाणी सुनिए गुरुओं की, वो अपने पे ले लेके बता रहे सारे प्रमाण जो आज सुने अपने वाहेगुरु सिमरन में बख्शाने के। कौन कह रहा है? गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु नानक पातशाह, कि मैं पापी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कह रहे हैं पातशाह? कंचन नारी में जियो लुपते है मुंह मीठा पातशाह, गुरु नानक जी कह रहे हैं पांच गुरु नानक, कि मैं सुंदर स्त्री देखता हूँ मेरा ध्यान उसमें चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या उनका जाता होगा? वो तो पापों से मुक्त करने वाले। हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए भाई, जब मैं कह सकता हूँ कि मैं पापी हूँ, तू क्यों नहीं कहता कि तू पापी है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब तक मानेंगे नहीं पापी है तो बख्शाएंगे कैसे? बख्शाना है तो पहले एक्सेप्ट तो करो पापी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरे इतने पाप ऐसे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, हमें नहीं पता चलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी गिनती बताएं, मतलब मेरे सामने इतने एग्जांपल सिख सकता रहे हैं, मैं क्या बताऊं आपको? अचेत पाप क्या है? छोटी छोटी बातें ले लेते हैं जो डेली रूटीन में हम करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। मानो हम टिकट बुक करा रहे हैं, दलाल से क्या कहते हैं? जितने मर्जी पैसे लगे टिकट मिलनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दलाल क्या करेंगे, पहले टिकटें खरीद के रख लेंगे, इससे क्या होगा? गरीब आदमी कैसे टिकट खरीदेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे पास पैसे, हम कहते हैं दलाल से 2,500 ले ले, 3,000 ले, टिकट दे दो। वो पहले जब ये सिस्टम बन जाता है, एक तरह से हम अनजाने में ही पाप कमारे गरीब आदमी बिना टिकट के बेचारा बैठा रह जाता है, जा नहीं पाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम कहीं चीज पे रिश्वत देते हैं, पाप के अधिकारी अपने आप बन जाते हैं और हमें लगता ही नहीं हमने कुछ किया, क्योंकि कॉमन हो चुका है ना ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
कहीं पर जाना हो पैसे दे के लाइन तोड़ के आगे बढ़ते हैं। हरमंदिर साहब में मैंने देखा है दूसरी तरफ से जाना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, लाइन में नहीं खड़े रहने, जाना किस लिए, गुरु की खुशी लेने के लिए। हजार लोगों को छोड़ के अगर तू अंदर चला भी गया किसी तरह से वाले फरेब छल झूठ से, क्या गुरु की खुशी ले पाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इससे अच्छा तो बाहर से ही माथा टेक ले। हम क्या करते हैं हमें पता ही नहीं चलता। एक बड़ी प्यारी घटना आती है, साईं दास जी गुरु हरगोविंद साहब जी के सामने बैठे हैं, रिश्तेदार हैं, बेनती करते हैं पाचा मैंने मकान बनाया मेरे घर में चरण डालो, खेमे गुरु नानक। दास कह रहे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या क्या करते हैं हमें पता ही नहीं चलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गिनती नहीं है ये, तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, हर पहलू पे हम गलत करते हैं, पाप कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। साईं दास जी कहते हैं कि पाचा मेरे घर में चरण डालिए, मैंने नया मकान बनाया है। हरगोविंद साहब जी ने सेवादार से कहा देखो भाई डायरी रखते होंगे उस वक्त भी कि कहाँ कहाँ किसको समय दिया हुआ है, वो जो तारीख मांग रहा था, कहने के वो तो किसी को दी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, किसी और दिन मतलब वो कहने लगा नहीं पाचा उसका नाम काट के मेरा लिख दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, क्योंकि वो कोई गरीब आदमी का नाम था जिसके घर में जाना था। बात को समझना, कोई आम आदमी गरीब आदमी जिसका नाम लिखा होता इसके इसके पास जाना है गुरु साहब जी ने, वो कहने लगा इसका नाम काट के मेरा लिख दो। गुरु साहब जी ने वहाँ पे उपदेश दिया साईदास किसी गरीब का नाम काट के अपना लिखाना पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, किस बात की खुशी मिलेगी तुझे अगर हम आ भी गए तेरे घर में चरण डालने, वो बात नहीं बनेगी जो बननी चाहिए थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये अक्सर होता है हरमंदिर साहब में पाठ रखाना हो, फोन करते हैं लोग पहचान से, किसी का काट के हमारा रखा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेरी आंखों देखी घटना है, मेरी आंखों देखी। मैं वहां बैठा था क्योंकि कीर्तन की हाजिरी अंदर भरता था, कुछ काफी समय गुरु साहब जी ने सेवा ली हरमंदिर साहब में कीर्तन की हाजिरी की, तो मैं वहां बैठा था जहां पे डायरी में टाइम दिया जाता है हमें कि कल की ड्यूटी कितने बजे की है हमारी, डेढ़ घंटे की एक घंटे की ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक हम वहाँ बैठ के फाइनल होता है। मैं बैठा हुआ था और साथ में एक रजिस्टर वाला बैठा हुआ था जो पाठ बुक करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, आए कुछ बड़े लोग बैठे, रजिस्टर खोला, कुछ प्रबंधक कमेटी के होंगे कुछ और होंगे जो रुतबे वाले, कि इनका पाठ अर्जेंट रखना है और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे मतलब लाइन पाँच पाँच छः छः साल बाद आती है, पाठ रखा इनका। वो कहने लगा भाई किसी का काटना पड़ेगा, सेवादार ने हाथ जोड़ दिया, कहने लगे काट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो वो क्या करे, उसकी नौकरी चली जाएगी, कहने वाले बड़े लोग। तो वो रजिस्टर खोल के भाई आप ही काटो, मैं नहीं काट सकता, किसका काटूं, जिसका काटूंगा वो झगड़ा करने आ जाएगा। तो वो देखने लगे इसका काटे, वो कहने लगे इसका मत काटना, ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, बखेड़ा खड़ा कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, चलो इसका काटते, नहीं ये बड़ा रुतबे वाला है ये इसका। आखिर में एक संत का नाम दिखा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कहने लगे संत कुछ नहीं कहते, ये कुछ नहीं कहेगा, ये बेचारे हाथ जोड़ते हैं किसी को कुछ बुरा भला कहते नहीं, इसका काट दो। संत का नाम काट के अपना नाम लिख दिया वहां पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब संत सच में कुछ नहीं कहेंगे, उनका क्या है, बेपरवाह सदा रंग हर के, जाको पाक स्वामी, जिसकी तरफ गुरु नानक खड़ा है वो बेपरवाह है। किसी संत का नाम काट के लिख तो लिया, पर क्या इसमें गुरु की खुशी मिलेगी? संत का नाम काटा है, जिसको गुरु सबसे आगे रखता है उसका नाम काट दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अभी उसने रखा तो पाठ है, क्या यह पुण्य है कि पाप है आप ही डिसाइड कीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इसे कहा है नर अचेत पाप ते डर रे। हम रोजाना रूटीन में ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं कि बता नहीं सकता दास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, घर में 15-15 कुत्ते पाले हुए हैं, 20-20 बिल्लियां पाली हुई है, इतना प्यार करते जानवरों से और सुबह शाम नॉन वेज खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अरे कैसा प्यार है ये जानवर से, कहते बड़ा दयावान आदमी है, इतने जानवर पाले हैं, अरे मार मार के दिन रात तू मुर्गे खा रहे बकरे खा रहे उन पे तरस नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पाप ते डर रे, 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 पाप
पापते डर रे बाबा नंद सिंह जी के वचन, अगर तूने दान दिया किसी भिखारी को 100 का नोट दे दिया, अब उसने जाके शराब पी ली तो धृग है तुझे। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। धृग का मतलब समझना गरीबी। हम दान क्यों देते हैं इस उम्मीद पे कि तू एक पैसा देगा वो 10 लाख देगा। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। गाना बना है ना क्योंकि हम लालची हैं, हमारे लालच को पकड़ के गाना बनाया गया, एक पैसे के बदले 10 लाख। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा बता भी नहीं, एक का 100 भी नहीं, एक का 10 लाख, 1 रुपए का 10 लाख मिलेगा तभी हम देते हैं। बाबा नंद सिंह जी के वचन, तू दान दे रहा है पैसे का, अब वो उसने जाके शराब पी ली, उसका गुनाहगार तू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहते थे कोई मांगे तो उसे भोजन खिला दो। ये नानक रोटी गाड़ी क्यों शुरू की है? कि जिसे चाहिए भोजन खा ले, जहां चाहे फोन करके मंगा ले, जहां चाहिए भोजन पहुंचेगा, पैसे नहीं देने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घटना याद है वो कबीर जी की दास ने सुनाई थी बहुत साल पहले, सुन लीजिए छोटी सी। कबीर जी थान लेकर जा रहे हैं, अपने हाथों से बुनती हैं थान, नाम जपते हुए कपड़ा लेकर जा रहे बाजार में बेचने, घर में कुछ है नहीं। रास्ते में एक आदमी पता पूछ रहा है कबीर जी का घर कौन सा, कबीर जी का घर कौन सा। कबीर जी रास्ते मिल गए, भाई तेरे को क्या काम है कबीर जी से, पहचानता नहीं कबीर जी। कहने लगे सुना है कबीर जी के घर से कोई खाली नहीं जाता, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं। कबीर जी खुद भी गरीब है पर फिर उम्मीद से जा रहे हैं कबीर जी के घर में कुछ मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी को तरस आ गया, कहने लगे एक तो कबीर जी का नाम ले रहा है, अब देना ही पड़ेगा, जो थान था उसे दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ले भाई ये ले जा, तेरा कुछ भला हो जाए तो हो जाए। कबीर जी थान देकर घर चले गए, वो थान लेकर चला गया। काफी समय बीत गया, एक सेठ आया टोकरी लेकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ आया टोकरी लेकर, बड़े सारे फ्रूट, बड़े सारा कुछ, बड़ा कुछ सामान लेकर कबीर जी के घर में। कहने लगा अच्छा आप ही कबीर जी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपकी बड़ी कृपा, बहुत कृपा है। आपको याद है आपने मुझे थान दिया था कबीर जी को? कुछ याद नहीं आ रहा, वो याद करा रहे। कबीर जी को याद आ गया, हाँ भाई दिया था। कहने लगे मैं वही गरीब आदमी हूँ, आपने जो थान दिया उसे बेचकर मैंने जाल खरीदा, जाल खरीद कर मैंने मछलियां पकड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने मछलियों का व्यापार शुरू किया, आज मेरा व्यापार इतना बड़ा है, कई सारी मेरी बेड़ियां हैं, लाखों मछलियां रोज पकड़ कर बेचता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपकी कृपा सदका ये प्रसाद लेकर आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी ने सर पे हाथ मारा और वहां पर ये पंक्तियां उच्चारण की, पापी को दोजक नहीं धर्मी दोजक जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि पापी को दोजक नहीं, ये पाप कमा रहा है, मछलियां पकड़ रहा है, इतनी मछलियां रोज मर रही है मेरी वजह से, क्योंकि मैंने इसे थान दिया था, इसे कोई दोजक नहीं, ये तो खुश है, अमीर हो गया, सब कुछ है इसके पास, दोजक में मुझे जाना पड़ेगा, धर्मी दोजक जाए जिसने दान किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोच समझ कर, इसीलिए ना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक निर्णय कर दिया। कहने लगे सबसे पहला दान की जगह सत्संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत खा के जाएगी प्रफुल्लित होगा, पहला स्थान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन लिखे हुए। दूसरा जरूरतमंद चिटकपड़िया। चिटकपड़िया किसे कहते हैं? जरूरतमंद, सफेद कपड़े वाला, सफेद कपड़ा भाव, जो मांगता ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको पता है ये जरूरतमंद है पर मांगता नहीं, क्योंकि गुरु पे विश्वास करके बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के गुरु देगा, उसकी छिपा कर मदद करो। कहते थे सबसे बेहतर स्थान है वो, पता है ये जरूरतमंद है, इसको तकलीफ में है पर लेगा भी नहीं, छिपा कर इसकी मदद करो, जाकर रजा कर छिपा कर। कहते थे गुरु की पूरी प्रसन्नता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो मांगे ना चिटकपड़िया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें पता होता है, अपने आसपास नजर मारो, हमें पता होता है कौन जरूरतमंद है, और ऐसी कोई जब मदद करते हैं गुरु, अत की प्रसन्नता गुरु की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नर
अचेत पाप ते डर रे। हर जो बोलिए धन गुरु नानक। अब कबीर जी ने तो भला ही किया था ना, पर मिला उन्हें क्या, धर्मी दो जग जाए। हर जो बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर पॉइंट पर सोचना चाहिए, कुछ भी नहीं कर देना चाहिए। दास तो बार बार बेनते, कभी भी अपने हाथों से जाके जरूरतमंद की मदद करके देखो, अपने हाथों से, उसकी कोई बराबरी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ तो फिर ऐसे स्थान पर मदद करो जहाँ 100% आपको श्योर हो कि पैसे सही जगह पर इस्तेमाल होंगे। इतना सा भी डाउट हो छोड़ दो वो जगह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नर अचेत पाप ते डर रे, पाप ते डर रे, पाप ते डर रे, पाप ते डर रे, पाप ते डर रे। नर अचेत पाप ते डर रे, नर अचेत पाप ते डर रे, नर अचेत ते डर रे, नर अचेत पाप ते डर रे। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, ज्ञानी महाज्ञानी, जो कहेंगे पाप पुण्य कुछ नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने की बात है, ये लोग आज भी हैं, ऐसे लोग गुरु नानक पाशा के समय भी थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वह हमेशा से ऐसे लोग रहे जो कहते पाप पुण्य कुछ नहीं होता। गुरु नानक पाशा ने इसके बारे में श्री जपजी साहिब जी में क्लियर बताया, भाई होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि उस वक्त भी ये बात थी। श्रवण कीजिए, पुनी पापी आखण ना है, पुनी पापी आखण ना है, कर कर करना लिख ले जाओ, कर कर करना लिख ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कह रहे हैं आखण, यहाँ पे आखण का भाव लिखा है मुहावरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शब्दों के जो अर्थ हैं, आखण का यहाँ पर भाव लिखा है, ये कहने की बात नहीं, ये कोई मुहावरा नहीं है। पाप और पुण्य, गुरु नानक पाशा कहते होते हैं जो जो तू करता है हर कर्म तेरा लिखा जा रहा है, कर कर करना लिख ले जाओ। साथ में जरे जाएगा तेरे, साथ में दो चीजें जाएंगी, तेरे किए हुए पाप, तेरे किए हुए पुण्य तेरे साथ जाएंगे तेरी आत्मा के हिसाब देने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कहने की बात नहीं है, गुरु नानक पाशा कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहले इस बात को मानने के पाप करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी समझाते हैं कि अब पाप हो गए हैं तो क्या कर, क्या कर। दीन दयाल सगल पे पंजन, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या कहे, दीन दयाल शरण दुख पंजन, दीन दयाल सगल पै पंजन, शरण ताहे तुम पर रे। अब पाप हो गए क्या करे, उसे दीन दयाल के शरण में आ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सगल पै पंजन, सारे दुखों का, सारे डरों को खत्म करने वाला, हर डर को खत्म करने वाला ये है, इसकी शरण में आ जा।
पाप मुक्त हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक पॉइंट समझने वाले सत्संग जी, बड़ा जरूरी कि हम लोग के पता मन में क्या बिठाए हुए लोगों ने कि पुण्य कर ले पाप खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जबकि गुरबाणी इसे पूरी तरह निखेद करती है कि ऐसा नहीं होता, पुण्य अलग है पाप अलग है। कोई ये सोचे कि मैं पुण्य कर लूं फिर तो जो तंबाकू बेच रहा है वो कैंसर का हॉस्पिटल खोल के बैठ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसको माफी है? नहीं। जो तंबाकू बेच रहा है, जिसका कैंसर होकर लोग मर रहे हैं, उसके पाप उसके अलग इकट्ठे हो रहे हैं। अगर वो हॉस्पिटल खोलता है उसके पुण्य है, उसका अलग हिसाब है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर ये सोचे कि मेरे पाप माफ हो जाएंगे, नहीं, माइनस प्लस नहीं होता यहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कहती है। ये हमारी गलत फहमी है। पाप कटते हैं केवल एक कर्म से, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम भी पाप नहीं काटता। इस बात को बड़ी गहराई से, बड़ा बड़ा पहलू है, बड़ा गहराई है। नाम करता क्या है? नाम पाप नहीं काटता, नाम माफी मांगना सिखाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम हृदय को नरम करता है, पश्चाताप से भरता है, पश्चाताप से माफी मिलती है। और पश्चाताप सच्चा तभी हो पाता है जब इंसान रोज सत्संग में आके सिमरन करे, उसे ज्ञान हो जाए कि मैं पापी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो होता है ऊपर ऊपर से पातशाह मैं पापी हूँ, नहीं, जब रोकर अंदर से पुकार निकलती है ना कि सच में मैं पापी हूँ पातशाह, मेरा क्या होगा? डरे आदमी यहाँ पे आके गुरु के आगे, हाथ पैर कांपे उसके। तब है वो, कब होगा? जब नाम जपेगा, नाम जपेगा हृदय पसीजेगा। गुरु नानक पातशाह ने क्या किया था? सज्जन ठाकुर जब गुरु नानक पातशाह उसके पास गए, एक भेखदारी था ना, शॉर्ट में ले लेते हैं क्योंकि संगत है। सज्जन ठग एक बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत अमीर आदमी, पर करता क्या है? जो भी आता है उसके यहाँ पे रात को ठहराता है, सेवा करता है, मुफ्त में रहो, मुफ्त में खाओ, सेवा है आपकी। और रात को भोजन में जहर देकर या किसी तरह से कत्ल करके कुएं में डाल देता है लाश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सारा कुछ जो उनके पास होता है, क्योंकि दूर दूर से व्यापारी आते जाते हैं, किसी के पास हीरे जवाहरात है, किसी के पास धन है, सब इकट्ठा करते जा रहे हैं और कुआं भर गया लाशों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गिनती नहीं है, गुरु नानक पातशाह आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु नानक पातशाह आ गए। देखा इतना नूर चेहरे पे, ये तो बहुत धनवार लगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत ही अमीर होंगे, कोई खातिरदारी कर रहे हैं। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी रात को भोजन में जहर डाल के दे रहे हैं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं हमें भूखे नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये हैरान हो रहे, पहली बार देखा कोई आया है, ना कुछ खा रहे हैं, ना ही आराम कर रहे हैं, सो भी नहीं रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये भी जाग रहे कि जब सोएंगे तो गला काट दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने कहा मर्दानिया रबाब छेड़। और जब गुरु नानक पातशाह ने शब्द उच्चारण किया, इसे अपने पाप सामने खड़े दिखाई देने लग गए। घबरा गया, डर गया, शरीर कांपने लगा, आत्मा कांप गई इसकी के इतने पाप, ये तेरे साथ होगा, गिर पड़ा चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक शब्द सुनकर वो सज्जन ठग से सज्जन संत हो गया, रोता रहा चरण पकड़कर, मेरा क्या होगा, मैंने इतने पाप किए हैं, कितने परिवार उजाड़े हैं, कुछ गिनती नहीं है पाछा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मान गया, गिर पड़ा, पश्चाताप हुआ सच्चा, सच्चा पश्चाताप। क्यों ना हो, गुरु नानक पातशाह है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम जपने से मन साफ होता है, मन साफ होने के बाद मन नरम होता है, फिर जब इसके अंदर वाणी जाती है, गुरु का उपदेश अंदर जाता है, मन पश्चाताप से भरता है कि मैं इतना पापी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सच्चे पश्चाताप किसे कहते हैं? हमारे जैसा नहीं, हम पश्चाताप किसे समझते हैं? आज गलती की, रात को पश्चाताप किया, कल सुबह फिर की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे पश्चाताप नहीं कहते, पश्चाताप उसे कहते हैं जो गलती हो गई दोबारा नहीं होगी, उसकी माफी मिलती है। अच्छा, आज तक जो मैंने गलती की है माफ कर दे, कल से नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्चा पश्चाताप करने वाला आगे से दोबारा वो गलती नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पहलू ही बहुत बड़ा है। नर अचेत पाप के डर रहे,
हम तो मान ही नहीं पाते कि हम पापी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों अंदर मैल है ना, परिया हाथ पैर तन दे पानी तोता उतरस के मूत प्रीति कपड़ होए दे साबुन लिया तो परिया मत पापा के संग हो तो पै ना वह के रंग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना याद आई, हम तो अपने को पापी नहीं मानते और महापुरुषों की अवस्था देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी का नाम सबने सुना है, भगत फरीद जी। उनके बाद जो गद्दी नशीन थे ना, उनके बाद जो उन्होंने सेवा संभाली थी, उनका नाम आया हजरत निजामुद्दीन औलिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिल्ली में जिनके नाम पे स्टेशन है ना निजामुद्दीन, ये वही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये फरीद जी के बाद इन्होंने सेवा संभाली थी, उनके बाद जो आए थे। तो एक बार बैठे थे सारे शागिर्द और जो इनके मुरीद होते हैं, सवाल किया हजरत निजामुद्दीन से कि कोई ऐसी घटना सुनाओ जो केवल आपने देखी हो, भगत फरीद जी की अवस्था केवल आपको पता हो और किसी को ना पता हो, रात को आपने कुछ देखा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जितने भी महापुरुष कमाई वाले होते हैं रात को जागते हैं बंदगी में, आप उनकी सेवा में रहते थे, कमरे के बाहर बैठे रहते थे पूरा दिन रात, वहीं पर आपकी आंख लग जाती, वहीं पर सेवा करते थे, वहीं पर बैठे रहते थे, कुछ भी उनको चाहिए, हल्के से खांसते भी थे वो तो ये पहुंच जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उन्होंने एक बात सुनाई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कमाल की बात, आंखें खुल जाए हमारी कि हम कहां पे खड़े हैं। कैसे नाम असर करता है, कैसे हमारा मन मानता नहीं कि हम पापी हैं, पाप करके भी पता नहीं चलता, और जिन्होंने किए ही नहीं है, जो दूसरों को पाप मुक्त कर देते वो अपने को पापी समझ समझ के बख्शाते रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी गुरुगद्दी पर बैठे, मन की अवस्था देखिए, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग कीड़े हम थापे, मैं तो कीड़ा हूँ, तूने मुझे बिठा दिया यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दिखावे के लिए बोल रहे हैं, इनकी भीतर से निकलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत निजामुद्दीन औलिया जी कह रहे हैं कि एक रात में टेक लगा के दरवाजे के साथ बैठा हुआ था, आधी रात हो गई, मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। फरीद जी अंदर थे कमरे में, टूटी फूटी झोंपड़ी, लकड़ी का दरवाजा, बीच में झेठे भी होते कि झाको तो दिख जाते अंदर। कहने लगे, जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैंने सोचा पता नहीं कौन रो रहा है, मैंने झांक कर देखा तो मैं हैरान हो गया। कहने लगे, उस दिन जो मुझे ज्ञान हुआ, मुझे झंझोड़ कर रख दिया उस घटना ने। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि फरीद जी बुजुर्ग हो चुके हैं, ना जाने कितनों को तारा उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा की इबादत में सारा जीवन बिताया है, ऐसी अवस्था हो गई जी फरीद जी की, जो उन्हें जाते हुए दर्शन भी कर लेता था ना, उसको भी अंदर ज्ञान हो जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो फरीद जी आधी रात को बैठे हुए हैं, कहते हमेशा पगड़ी पहन के रखते थे फरीद जी, पगड़ी हाथ में ली हुई है, जोर जोर से रो रहे हैं, पगड़ी हाथ में पकड़ी हुई है, जोर जोर से रो रहे हैं, आंसुओं से भरा पड़ा है चेहरा, और बार बार सिजदा कर रहे हैं, माथा धरती पर रख रख के घसीट रहे हैं और कह रहे हैं, या खुदा मेरे गुनाह बख्श दे, या खुदा मेरे गुनाह बख्श दे, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह बख्श दे। कहने लगे, घंटों ये करते रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते, मैं हैरान हो गया, एक पाप मुक्त जीवन, एक पाप नहीं सारे जीवन में उन्होंने किया, सिवाय पुण्य के कुछ किया ही नहीं है, पाप होता क्या उन्हें पता नहीं, और मन की अवस्था कहाँ है, खुदा से माफिया मांग रहे हैं कि मैं अत का पापी हूं, मुझे माफ कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों ऐसे, हमें तो लगता ही नहीं कि हमने तो अपने पुण्य याद आते हैं, पाचा मैंने ऐसे किया, मैंने इतना दान दिया है, मैंने ऐसे लोगों का भला किया है, मेरा ऐसे क्यों हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं, नर अचेत पाप ते डर रे, चेतना में तो हम पाप करते ही हैं, अचेत पाप से भी डर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना तो ज्ञान हो जाना चाहिए, हम हर ऐसे नहीं कहा, खिन खिन भूलनहार, हम हर सेकेंड गलतियां करते हैं, लेख है कते ना छूटी है, हिसाब करने बैठ के तो कभी छूट ही नहीं पाएंगे। एक था ना ऋषि, पत्थर पे बैठ के तप कर रहा था, 100 साल बंदगी की, भगवान आ गए, कहने लगा क्या चाहिए,
कहने लगा एहसान नहीं चाहिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, 100 साल बंदगी की है मैंने उसका फल दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान मुस्कुरा पड़े, कहने लगा तुझे हिसाब किताब करना है 100 साल बंदगी की तूने? हाँ। कहने लगे जिस पत्थर पे बैठ के किए ना वो पत्थर पुकार कर रहा है कि 100 साल से मेरे ऊपर बैठा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हिसाब तो ये है कि अब तू बैठ पत्थर बन के ये तेरे ऊपर बैठ के बंदगी करेगा 100 साल, बाद में बात करते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिसाब करने बैठ गया कि मैंने 100 साल बंदगी उसका फल दो, नहीं कितनी भी बंदगी कर लो पाछा बख्श ले। बाबा नंद सिंह जी के वचन, प्रत्यक्ष कृपा वर्तती दिखाई दे रही हो कि शक्ति आ रही है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा हो कि रोम रोम में सिमरन शुरू हो गया, दुनिया पूज रही है, मन यहाँ पे रखना जब भी अरदास में खड़े होना पाछा बख्श ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खिन खिन भूलनहार, हम हर सेकंड भूलनहार है, बस बख्श दे बख्श दे बख्श दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आख दे तेनु बख्शनहारा, आख दे छोटी है खिन खिन पूलन हार, लिखे कत है न छोटी है खिन खिन पूलन हार, नानक पार उतार, नानक पार उतार, तेनु आक दे तेनु बख्शन हाराक दे, आक दे के बख्श लें,
ओ पापी वडे गुनेगा कृपा करके बख्श ले ओ पापी वडे गुनेगा बोलिए धन गुरुनाथ धन गुरुनाथ धन गुरुनाथ। ये पाप और पुण्य की व्याख्या बहुत बड़ी है, इसको बहुत गहराई से हर एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। कल भी गुरु नानक मेहर करें जीवन पाप मुक्त हो जाए। यार से बोलिए धन गुरुनाथ, कम से कम एहसास तो हो जाए, भीतर से पुकार तो लगा सके। यार से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। हम नहीं हो सकते, वो कर सकता है। गुरु प्रसाद अगर उसने वर्ता दिया तो सच में जीवन पाप मुक्त हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। मांगना पाछा आपका गुरुपुरब है, गुरु नानक पाछा का सत्य वड्डा सतगुरु नानक। सृष्टि के मालिक का हम अवतार पूर्व मना रहे, जिसे लोग जन्मदिन कहते हैं, एक ही रिटर्न गिफ्ट मांगना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, उस पाछा अपना बना ले। सब कुछ आ गया उसमें, जिस राजा ने गोद ले लिया अपना बना लिया, सारा राज उसका हो गया। प्यार से बोलिए अपना जब बना लिया तो अपने बच्चों के गुनाह को ही देखता है माता पिता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पर्दे ही डालेगा खोलेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, बस उसके बच्चे बन जाए। महापुरुषों के वचन याद आते हैं, बच्चे रहेंगे ना बच्चे रहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिस दिन तू बड़ा हुआ इसके सामने वो बोलेगा बड़ा हो गया जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बच्चे बन के रहेंगे बचे रहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बड़ा नहीं कभी भी कि मैं ये करता हूँ नहीं पाछा तरस कर, मुझे कुछ नहीं आता, मैं अनजान हूँ भटक जाऊंगा बचा के रख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, ये पाछा तनु बख्शन हारा आख दे दाता, बख्श ले बख्श ले। पाप ते डर रे, पाप ते डर रे, नर चेत
चौपाई हमरी करो हाथ दर इच्छा पूर्ण हुए चित की इच्छा था चरण मन रहे हमारा अपना जान करो कृपाला हमरे दुष्ट दैन का वो आप आदे मैं बचाओ उसकी दशे मोरो परिवार सेव सिख सुन कर छान करे करिए सब वैर को वास करिए पूर्ण होए हमारी आशा दूर भजन की रहे प्यासा तुम्हें जान को यम जाऊं सोबर जाऊं तू दे पाऊं सेवक सिख हमार कार्य तू जो सब हमार मारिए आप आदे मुझे भरिए मन का का त्रास करिए सदा हमारे रक्षा श्री अस्तु जो करे रक्षा रात लो मोहे रख हमारे साय सन सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हम दाता हो परी जो कर दुष्कृता काल पाए ब्रह्मा भक्ता काल पाए शिव जो करा काल पाए कर कृष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जो की शिव की हो वेद राज ब्रह्मा जो जियो जमन काल सब लोग सुमारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव देव जैसन उपजायो आदम के कहो तारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जनिया सवारी सकल को सब कुछ सुख दियो सकरण को बल मोहन कियो कट कट के अंतर की जान भले भरे की पीर पहचान चीटी देखो चले सोला सब पर कृपा कर भूला सुंदर पाए दे दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचाने कट कट के बड़ बड़ के जाने जब उसका करा खतारा मजा कर मतलब दे अपारा जब आकर कर सो कबो तुम मैं मुझे अपनी बुध है जीती बन भिन्न भिन्न तो देती तुम्हारा खन जाए पसारा कह दूसरा ब्रह्म संसारा ही कह रूप अनुस रूप रंग भयो राम भय कुमार अंचल जेल सीत कीनी पद कुछ खान भवन जमीनी कहूं भूल राजा हुए बैठा कहूं से मटका सुंदर बैठा सगरे से दिखाए चंपा वाज का स्वरूप से अंबा वृक्षा मेरी तुम करो सिख बाल शिक्षण करो जब जिते उठ बहु माता सकल मलेश करो रण करता रे तुम तो करनी परे तिनके दुष्ट दुख रहे मरे मन जुन पग परे तिहारे संकट सब तारे जो कल कोई पास है ताकि काल कट दे
कर्म सब होए दुष्चार न सके न कोई एक बार जन्म में सवारा काल पास ताए बारा जिंदर नाम से हारो कहा दार दुष्ट लोक तेरा आकर गेत में शरण तिहारी आपा जय देव पारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट लोक तेरे उचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुग्राता गिर विसर्ग एक वो हता दुष्ट लोक इन पोषे करता श्री अस्त जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ काला मन वाचित पर पावे सोई धूमनत से व्यापत कोई अड़िल ना पावी सुने मूल चित लाए चतुरता आवी दुख दर्द पाने कितना दिन नर के रहे बोलो या की एक बार चौकी को कहे दुख दर्द पाने कितना दिन नर के रहे बोलो या की एक बार चौकी को कहे आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया शिव जी सदा Oh.
शिव जी सदा जय गुरु जी की।